अगर उनको मालूम है वो प्रहलाद है तो घबराते क्यों हैं? प्रहलाद को जलाने की कोशिश वो जले नहीं तो केजरीवाल साहब बिलबिला क्यों रहे हैं? फिर अगर प्रहलाद है तो अग्नि में से निकल कर आएगा, फिर जेल क्यों जाएगा? तो एक कंट्राडिक्शन है। यही लोग अपने आप को भगत सिंह जी का अनुयायी बताते थे। भगत सिंह जी देश के लिए जेल गए थे, ये शराब में घोटाला करके जेल जा रहे हैं। और भगत सिंह जी जब जेल गए तो वो गिड़गिड़ाए नहीं, मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, जैसे सिसोदिया जी गिड़गिड़ाए मेरी बीवी का ध्यान रखना, वो बीमार है, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। कल दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दिल्ली के कथित शराब घोटाले मामले में अरेस्ट किया, तो आज दिल्ली बीजेपी एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन पे उतर गई है और इस बार अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा मांगा जा रहा है। हमारे साथ है शहजाद पूनावाला। शहजाद, सवाल यही है कि बहुत सारे डमी जेल्स आप लोगों ने बनाए हैं, क्या मैसेज देने की कोशिश? देखिए, आज मैसेज स्पष्ट है कि अरविंद केजरीवाल की सरकार भ्रष्ट है और जो भी इनके भ्रष्टाचारी मंत्री है, सत्येंद्र जैन 9 महीने से जेल में, कोर्ट ने राहत नहीं दी। मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली। विजय नायर जेल में 6 महीने से राहत नहीं मिली, फिर भी उनको कट्टर ईमानदार कहने का काम अरविंद केजरीवाल करते हैं। और उन्होंने तिहाड़ में जिस प्रकार से वीवीआईपी मालिश करवाई सत्येंद्र जैन की, इसके लिए इस भ्रष्टाचार के किंग पिन अरविंद केजरीवाल को जवाब देना चाहिए। सांसद रमेश बिधूड़ी भी है, आप लोग यहाँ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, डमी जेल बना रहे हैं, लेकिन अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि आज के दौर के प्रहलाद को जेल में भेजा जा रहा है और हिरण्यकश्यप खुद को फिर से भगवान समझने की कोशिश कर रहा है। अगर उनको मालूम है वो प्रहलाद है तो घबराते क्यों हैं? प्रहलाद को जलाने की कोशिश वो जले नहीं तो केजरीवाल साहब बिलबिला क्यों रहे हैं? फिर अगर प्रहलाद है तो अग्नि में से निकल कर आएगा, फिर जेल क्यों जाएगा? तो एक कंट्राडिक्शन है। यही लोग अपने आप को भगत सिंह जी का अनुयायी बताते थे। भगत सिंह जी देश के लिए जेल गए थे, ये शराब में घोटाला करके जेल जा रहे हैं। और भगत सिंह जी जब जेल गए तो वो गिड़गिड़ाए नहीं, मेरे परिवार का ख्याल रखना, मेरे माँ बाप का ख्याल रखना, जैसे सिसोदिया जी गिड़गिड़ाए मेरी बीवी का ध्यान रखना, वो बीमार है, मेरा बेटा स्कूल में पढ़ता है। तो ये अनुयायी तो बनते हैं, लेकिन ये इनका डीएनए। अब आतिशी जो मंत्री बनी है वो हार्ड कोर अपना धर्म बदल कर कम्युनिस्ट प्रवृत्ति में जाकर राजपूत से ईसाई बनी, अब फिर राजपूत अपने आप को निकलना शुरू कर दिए। तो अवसरवादी लोग हैं, अब दिल्ली के लोग इनके चरित्र को पहचान गए हैं और केजरीवाल के चरित्र को पहचान गए। एक सवाल ये है कि एक तरफ आप लोगों का विरोध प्रदर्शन चल रहा है, दूसरी तरफ के कविता आप विपक्षी दलों को इकट्ठा कर रही हैं और वो भी एक्साइज पॉलिसी में उनसे सवाल पूछ, ईडी उनसे क्वेश्चनिंग करने के लिए बुलाया है कल, तो आप लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहाँ अपोजिशन यूनाइटेड हो रहा है। पहली बार 2014 से पहले जो तथाकथित सेकुलरिज्म के नाम पर इकट्ठा होते थे, आज सारे पर्दे गिर चुके हैं और भ्रष्टाचार के बचाव में ये सब एक हो रहे हैं। एक तरफ है विजन और मिशन मोदी जी का और दूसरी तरफ है डिवीजन, करप्शन और कमीशन वाले, ये सब भ्रष्टाचार के संरक्षण में एक हो चुके हैं। ये महिला आरक्षण के लिए नहीं, ये भ्रष्टाचार के संरक्षण के लिए प्रदर्शन हो रहा है। और देखिये क्या सियासी धर्मांतरण है, जिन्होंने इंडिया अगेंस्ट करप्शन से शुरुआत की, अन्ना हजारे के अनुयायी होते थे, आज लालू प्रसाद के अनुयायी बने हैं, तो प्रदर्शन फॉर करप्शन कर रहे हैं। तो साफ तौर पे बीजेपी का विरोध प्रदर्शन और अब मांग ये है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल बीजेपी पर आरोप लगा रही है कि वो केंद्रीय एजेंसी का दुरुपयोग कर रहे हैं और मनीष सिसोदिया को जेल में रखने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है।